स्वागत है आपका। फाइनली यहाँ पर हमें एक और वर्ल्ड कप चैंपियन टीम मिल चुकी है, जहां पर वर्ल्ड कप 2019 का टाइटल न्यूजीलैंड की टीम को हराकर इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किया है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच था, और अगर आपने ये मैच मिस किया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जहां पर हम इस वीडियो में इस मैच की पूरी बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से इस मैच में इंग्लैंड की टीम को विजेता घोषित किया गया। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस मैच में टॉस जीता न्यूजीलैंड की टीम ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए 41 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जहां पर हेनरी निकल्स ने 55 रन, वहीं टॉम लेथम ने बढ़िया 47 रनों की पारी खेली। 242 रन ऐसा लग रहा था कि बड़े ही आराम से बना देगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि सेमीफाइनल में बहुत ही अच्छा इन्होंने चेस किया था। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग एक और बार बहुत ही ज्यादा शानदार रही, जहां पर बहुत ही कम इकोनॉमी से शुरू में इन्होंने रन दिए और लगातार विकेट जो है निकालते रहे इंग्लैंड की टीम के। और शुरुआती आपको बता दें कि 23 ओवर के बाद 86 रनों पर 4 विकेट जो है इंग्लैंड की टीम गवा चुकी थी, और पूरी तरीके से इस समय पर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस मैच में पकड़ अपनी बना चुकी थी और फेवरेट लग रही थी। लेकिन यहां पर हमें जॉस बटलर और बेन स्टोक्स के बीच एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप जो है वो देखने को मिली। 100 से भी ज्यादा रनों की ये पार्टनरशिप, जिससे इंग्लैंड की टीम जो है वो वापिस से मैच में आई। और आपको बता दें कि आखिरी की 32 बॉलों में सिर्फ 46 रन चाहिए थे जब ये दोनों प्लेयर जो है वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जॉस बटलर आउट होते हैं और मैच में एक और बार न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आती है, जहां पर एक तरफ से लगातार विकेट गिरते रहते हैं, लेकिन एक तरफ से बेन स्टोक्स जो है वो खड़े रहते हैं और मैच को जो है वो आखिरी ओवर तक लेकर जाते हैं, जहां पर आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 15 रनों की जरूरत होती है वर्ल्ड कप 2019 का टाइटल अपने नाम करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहां पर ट्रेंट बोल्ट शुरुआती 2 बॉल जो है वो डॉट बॉल कराते हैं, जिसके बाद 4 बॉलों में ही 15 रनों की जरूरत होती है। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया छक्का जो है वो बेन स्टोक्स लगाते हैं, लेकिन इसकी अगली गेंद पर एक बहुत ही डिफरेंट चीज हमें देखने को मिलती है, जहां पर डबल लेते वक्त एक ओवर थ्रो का चौका जो है वो मिलता है इंग्लैंड की टीम को, जहां पर डाइव जब लगाते हैं बेन स्टोक्स तो उनकी बैट पे लग के बॉल जो है वो चली जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर, यानी कि जहां पर 2 रन होने चाहिए थे वहां पर 6 रन जो है वो मिल जाते हैं इंग्लैंड की टीम को, और इसकी वजह से आखिरी 2 बॉलों पे सिर्फ 3 रन इंग्लैंड की टीम को चाहिए होते हैं, जहां पर सेकंड लास्ट बॉल पर सिर्फ 1 रन मिलता है और आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए होते हैं, और यहां पर भी डबल लेने के चक्कर में जो है एक रन आउट हमें देखने को मिलता है और आखिरी बॉल पर भी सिर्फ 1 रन मिलता है, यानी कि स्कोर जो है वो यहां पर 50-50 ओवर के गेम के बाद हो जाता है लेवल, और पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो गया सुपर ओवर में, और सुपर ओवर जो है वो यहां पर मैच से भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां पर इंग्लैंड पहले बैटिंग करने उतरती है, बेन स्टोक्स और जॉस बटलर जो है वो बैटिंग करने आते हैं इंग्लैंड की तरफ से, पहली बॉल पर 3 रन लेते हैं, उसके बाद अगली बॉल पर 1 रन, इसके बाद बहुत ही बढ़िया चौका लगाते हैं बेन स्टोक्स, इसके अगली बॉल पर 1 रन, उसके अगली बॉल पर डबल, और आखिरी बॉल पर जो है एक बहुत ही बढ़िया चौका लगाते हैं जॉस बटलर, और टोटल 15 रन जो है सुपर ओवर में बनाती है इंग्लैंड की टीम, और 16 रनों का टारगेट जो है वो मिलता है न्यूजीलैंड को, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए 16 रनों का टारगेट, जिसकी शुरुआत करते हुए पहली बॉल जो है वो वाइड होती है, इसके बाद जो पहली बॉल होती है उस पे 2 रन लेते हैं जिम्मी नीशम, इसके बाद अगली बॉल पर एक बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाते हैं जिम्मी नीशम, और इसकी अगली बॉल पर जो है वो एक और डबल मिलता है न्यूजीलैंड की टीम को, और आखिरी 2 बॉलों पर सिर्फ 3 रन जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को चाहिए होते हैं, और लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम फिर से एक और बार यहां पर फेवरेट बनती है। इसकी अगली बॉल पर दोस्तों सिर्फ सिंगल मिलता है एक, और आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए होते हैं, और स्ट्राइक जो है वो होता है मार्टिन गप्टिल के पास, और आपको बता दें यहां पर आखिरी बॉल पर एक बहुत ही जबरदस्त यॉर्कर जोफ्रा आर्चर जो है वो फेंकते हैं, जिस पर डबल लेने के चक्कर में रन आउट जो है वो हो जाते हैं मार्टिन गप्टिल, और ये मैच जो है ये सुपर ओवर में भी लेवल हो जाता है, सुपर ओवर में भी दोनों टीम जो है वो बिल्कुल इक्वल पे खत्म करती है, लेकिन इस मैच का विजेता जो है वो घोषित कर दिया जाता है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड की टीम जो है वो बन जाती है वर्ल्ड कप 2019 की चैंपियन। अब बात करें दोस्तों कैसे स्कोर लेवल होने पर भी इंग्लैंड की टीम यहां पर चैंपियन बन गई, तो आपको बता दें कि जब सुपर ओवर में भी मैच जो है वो टाई हो जाता है, बिल्कुल लेवल हमें देखने को मिलता है, तो जिस टीम ने सबसे ज्यादा बाउंड्री पूरे मैच में लगाई होती है सुपर ओवर को मिलाकर, उस टीम को जो है विजेता घोषित किया जाता है, और पूरे मैच में न्यूजीलैंड
रन से ज्यादा जो बाउंड्री है वो लगाई थी इंग्लैंड ने, और इसीलिए इंग्लैंड जो है यहाँ पर बनी विजेता वर्ल्ड कप 2019 के टाइटल की। तो इससे बड़ा हमें इससे इंटरेस्टिंग फाइनल जो है कभी देखने को ना मिला है और शायद ना ही कभी हमें देखने को मिलेगा, जहां पर 50 ओवर का मैच भी लेवल होता है, सुपर ओवर भी जो है वो लेवल होता है, और यहां पर रूल की वजह से इंग्लैंड की टीम जो है वो बन जाती है वर्ल्ड कप 2019 की विजेता। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिली वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में, और फाइनली इंग्लैंड की टीम जो है वो बन चुकी है विजेता वर्ल्ड कप 2019 के टाइटल की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब क्या आप खुश हैं कि इंग्लैंड की टीम टाइटल जीती है वर्ल्ड कप 2019 का, या फिर आप चाहते थे कि न्यूजीलैंड की टीम को जो है ये जीतना चाहिए था टाइटल? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।